हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो? आज है नवरात्रि का चौथा दिन। चौथा दिन है दोस्तों, नहा धो के पूजा पाठ सब हो गया। हाँ। अनोथली भी पहन ली मैं। आज मम्मी बनी हुई है पूरी की पूरी पहाड़ी बांध, और हमें इंस्टाग्राम के लिए ना एक प्रमोशन वीडियो बनानी थी, तो हमेशा मैं ही नथ पहन रही थी। मैंने सोचा आज मम्मी को नथ पहना दे, और मम्मी को पहना दिया दोस्तों। मैंने कहा मम्मी को पहाड़ी बांध बनाते हैं आज, बहुत ही सुंदर लग रही है, मम्मी के लिए आज कमेंट होने चाहिए। बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, अभी हमें मंदिर में जाना है, भगवान जी को जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करना है, तो चलते हैं मंदिर में और चाची लोगों से मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों, अभी घर के काम काज निपटाने के बाद अभी मैं भी जा रही हूँ मंदिर में, और दिन के 1 बज गए अब जाके मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि अनमोल के लिए खाना खुना बनाना था, तो ऐसे ही फिर टाइम लग गया। और मम्मी का ये क्या बोलते हैं इसको, छन्नी, ये भी यहीं छोड़ गई क्योंकि कीर्तन हो रहा है वहाँ पे, तो मम्मी को कॉल आ रखा था कि इसको लेके आना। तो चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं। अभी तो मैं सुबह से मंदिर ही नहीं गई, बस घर में पूजा करी, तो चलते हैं मंदिर में, कीर्तन भजन करते हैं वहाँ पे। जय हो माँ नारी देवी, जय हो तुंगेश्वर भगवान। तो चलते हैं मंदिर में, और मंदिर के आगे तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो हम जाएंगे मंदिर के पीछे, मम्मी लोग वहीं पे कीर्तन कर रहे हैं, तो चलते हैं छन्नी दे के आते हैं मम्मी लोगों को। ये देखो, ये है हमारा मंदिर, और यहाँ पे ना पांडव देवताओं के निशान रहते हैं, जब पांडव नृत्य होता है ना तब निकालते हैं इनको, और बाकी पूरी टीम इधर बैठी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। हेलो, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, धीरे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो चाची जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। आज बहुत कम है, शादी भी है ना यहाँ, तो कोई शादी में रोटी बनाने जा रहा है। हाँ। तो इसलिए हम कम हो रखे हैं, ऐसे मत बोलना कम क्यों है। हाँ। हेलो चाय वाली चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे होंगे दोस्तों, आप भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हाँ। नवरात्रि चल रही है, आज चौथी नवरात्रि है, व्रत रखा है सबने, और यहाँ पे हमारी सिंगर चाची भी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो दोस्तों, आप लोग सब ठीक? तो दोस्तों आज हम कीर्तन में, मोनिका देर से आ रही है अभी। हाँ। हमने एक दो कीर्तन तो कर ही लिए हैं दोस्तों। हाँ। तो इनके कीर्तन सुनाते हैं अभी आप लोगों को। अभी मंदिर में भी पूजा पाठ कर लिया मैंने, और जब मैं अपनी वीडियो में बता रही थी ना आप लोगों को कि नवंबर 17 तारीख को हमारी देवी बाहर आएगी, यानी कि देवी की बनियाद शुरू होगी, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपने गांव का लोकेशन बताइए, हमें भी माता के दर्शन करने के लिए आना है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हमारा गाँव पड़ता है, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से 13 किलोमीटर आगे आना है आपको, मतलब जो पुल से एक रोड तिलवाड़ा के लिए जाती है और एक रोड आती है कार्तिक स्वामी के लिए, यानी कि पोखरी रोड पे, तो पोखरी रोड पे आपको ना 13 किलोमीटर आगे आना है। सदराखाल मार्केट से एक रोड कटती है हमारे गांव के लिए, लगभग 2 किलोमीटर सदराखाल से हमारे गांव का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और उसके बाद आपको हमारा गाँव दिख जाएगा, तो वहीं पर गाँव के बीच में ही आपको मंदिर दिख जाएगा। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आना, अगले महीने नवंबर 17 तारीख को देवी बाहर आएगी, और उसके बाद देवी जाएगी बनियास में, तो आप लोग ज़रूर आना माता के दर्शन करने के लिए।
यहाँ पे कीर्तन हो गया है और आज कीर्तन मंडली में दो और आ रखे हैं हमारे साथी, ये हमारी चाची और ये भी चाची दादी दादी, दादी होते हैं पर जवान दिख रहे हैं चाची बोलते हैं। नवरात्रि की कैसे बोल रहे हैं, सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और ये चाची का लड़का है, दादी का लड़का है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा देवर है, सबसे छोटा देवर गाँव में। अब आकर हाय कर, अब आने कौन ये भूखी भी देता है। तो अभी हमारा कीर्तन हो गया यहाँ पे और जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो एरोलो होते हैं उनको सिखा रहे हैं आजकल, तो बस वो टाइम भी हो गया, दो मतलब दो बजे बाद ही सिखाते हैं, तो अभी वहाँ पे आ गए हैं सब लोग, तो इसलिए हमने कीर्तन बंद कर दिया है ना, क्योंकि उनको डिस्टर्ब हो रहा था, हम उनको डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमने जल्दी निपटा दिया। अच्छा नहीं लगता वहाँ पे सारे जेंट्स लोग आ गए और यहाँ पे हमारे बूढ़े सासू जी भी हैं। हेलो कर, हेलो खूब आते रहते हैं, ये भी कीर्तन में खूब साथ देते हैं हमारा, जहाँ भी कीर्तन करते हैं आ जाते हैं। और जो ये सुरई का पेड़ है ना, इसी की छाया में हम लोग कीर्तन करते हैं, बैठ के हम कीर्तन करते हैं दोस्तों। सही बात है, छाया रहती है। तो चलते हैं हम, चलो तब कोथी दो खान, आजकल हमारे लिए खूब कोथी हो रखा है दिन में, चलो दोस्तों। कीर्तन करने के बाद ना हम लोग घर पे आ गए थे, हम लोगों ने कौथी नहीं देखा और अब जाएंगे हम लोग, क्योंकि ना घर पे बहुत सारे काम बचे हुए थे, दाल रखने के लिए थी, कोदा भी बाहर था, बर्तन धुलने के लिए बहुत सारे काम थे, तो हमने सोचा एक बार काम निपटा देंगे उसके बाद चलते हैं कौथी देखने के लिए। और हम लोग ना कौथी में मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मौका ना बार बार नहीं मिलता है। जो हमारी देवी की बन्यात हो रही है, माँ चंडिका की बन्यात हो रही है, तो ये हुई थी सन 1994 में और उसके बाद से सीधे अब हो रही है, उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे और न जाने अब कितने साल बाद होगी, शायद उस टाइम अपने नाती नतनों को लेके आ जाए वहाँ। हम बुढ़े हुए हैं, मोनिका अपने नाती का हाथ पकड़ के आएगी और मैं तो आंख भी नहीं देखूंगी, बाल भी दांत भी टूट जाएंगे मेरे, बाल भी मेरे फुल मुंडी हो जाऊंगी दोस्तों एकदम। नकली दांत लाएंगे तब मम्मी के लिए, नकली दांत लाना मेरे लिए। और दोस्तों किसी ने कमेंट किया था कि ये बन्यात बल दीवारा देवी कहाँ तक जाएगी, ये दोस्तों हमको पता नहीं है, अभी जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। और क्या बोलते, एक दूसरा कमेंट था कि वो बल आजकल आपके यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती, तो हमारे यहाँ होती है क्योंकि आजकल नवरात्रि है तो इसलिए इसको शुभ मुहूर्त मानते हैं और आजकल शादियाँ होती है। हाँ, किसी का कमेंट आ रखा था, मतलब वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, वहाँ मानते होंगे ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ नवरात्रों में शादी होती है तो इसीलिए आपको आजकल शादी के ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं। और मैं बात कर रही थी बन्यात की, तो जैसे मैंने आपको बताया 1994 में हुआ और अब हो रही है बन्यात 2023 में, न जाने अब 10 साल बाद 20 साल बाद न जाने कब होगी, तो उस टाइम तो हम काफ़ी ज़्यादा बुड्ढे भी हो जाएंगे, हो सकता है 20-30 साल बाद, पता नहीं कब होती है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम ना एक दिन भी नहीं छोड़ रहे हैं कि, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम हर दिन जा रहे हैं कौथी देखने के लिए। क्योंकि मेरी दादी बताया करती थी मुझे कि पहले जब मतलब बन्यात होती थी उस टाइम बांसी आते थे, सिखाते थे, ऐसा उस टाइम मैं सिर्फ सुनती थी और आज देखने का मौका भी मिल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से काम निपटाते हैं उसके बाद चलते हैं मंदिर में कौथी देखने के लिए। तो दोस्तों अभी निकल पड़े हम मंदिर में कौथी देखने के लिए और अमरूद खाते खाते हमारे पेड़ पे लगे हुए थे यहाँ पे और हमने देखे ही नहीं, अभी नज़र पड़ गई अचानक से, ऊपर लगे हुए थे दो पके पके, मतलब हल्के हल्के कच्चे हैं, है ना, बहुत मीठे हो रहे हैं। चलो जाओ चलते, मैं आप लोगों को तो दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी वो लोग सीख रहे हैं, किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा, फिर उनको शर्म भी आएगी ना कि हमारे वीडियो बन रहे, तो इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं बनाऊँगी। वो प्रणाम। प्रणाम यार। ठीक ठाक ठीक ठाक। देखो हमारी बुआ जी भी पहुंच गई हैं कौथी देखने के लिए, फलासी गांव में तो बुआ आती रहती है खूब गांव में, जैसे त्योहार त्योहार हुए है ना, आते रहते हैं बहुत ज्यादा। चलो ना कौथी देखो, घर में वही है, आज तक कौथी देख लिए, ठीक था ठीक 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 था। तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि यहाँ पे कोई नहीं आ रखा होगा देखने के लिए कौथी, और यहाँ देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, सब बुड्ढे लोग जवान लोग बच्चे सब पहुंचे हुए हैं, चाची लोग भी पहुंच गए यहाँ पे, हम भी पहुंच गए हैं दोस्तों, हमारा ससुराल इतना अच्छा है दोस्तों, हर दिन कौथी में सारे लोग पहुंचाते हैं मंदिर में, हम तो हो ही गए ना। सही बात। अरे यहाँ पे चाची भी बैठी हुई है, हेलो, और पीछे बुड्ढे लोग भी, हेलो कौथी देखो खड़ा है मुनाम, सब देखो ये बच्चे लोग भी लगे हुए हैं, ए परी आ जाओ, ये पाड़ सन फले यहाँ से, और कौथी हो रहा है नीचे वहाँ मंदिर के चौक में। तो दोस्तों
तो अभी हो गया है कौथी समाप्त और अभी से हमको इतनी खुद लग रही है, जबकि अभी देवी बाहर भी नहीं आई, अभी से हमको ऐसा हो रहा है घर कैसे जाना है, जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब असली देवता आएगा तब पता नहीं हमारा क्या होगा। सही, मतलब तो ज्यादा ही होगा भाई। नहीं नहीं, जिस दिन ना, जिस दिन अंदर जाएगी देवी, जिस दिन अंदर जाएगी मंदिर में जाएगी देवी, उस दिन हमें बहुत खराब लगता है, क्योंकि जब पांडव नृत्य होता है दोस्तों, तो जब जिस दिन समाप्त होता है उस दिन हम शाम को बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इतनी चहल पहल रहती है मंदिर के चारों तरफ और मंदिर के मतलब सामने से जब गुजरते हैं ना, ऐसा सुनसान सा लगता है ना, बहुत ज्यादा खराब लगता है, चहल पहल होगी दोस्तों। हाँ, क्योंकि देवी की बनियात आ रही है और बहुत टाइम बाद आ रही है। ये देखो सारे कौतियों और जाने लग गए अभी घर, और शाम का नजारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों काफी लोगों के कमेंट आ रखे थे ना कि सिंगर चाची की जो सासू जी हैं उनको दिखाना, मतलब जब उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उनको नहीं देखा है, तो ये है हमारे दादी जी। दादी हेलो बोला। हेलो। सब पूछना चाहते दादी तबियत कहना चाहिए, बोला कहना चाहिए तबियत अब पर स्वास्थ्य अब ठीक है, जो पहले दिक्कत थी वो अब ठीक है और दर्द भी नहीं है, मतलब जो ऑपरेशन हुआ था बिल्कुल ठीक है अब स्वास्थ्य दादी का। दोस्तों ये भी मेरी बुआरी हैं, कमेंट में जरूर बताना जवान बहू है कि सास है, सबसे बुढ़ी है, मतलब रिश्ते में हमारी तो सासू जी हैं, नाते में सबसे बड़े ये हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, ये भी तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, ये सब हैं व्रत वाले, ये हमारी अवनी है, ये छोटी सी गुड़िया है हमारी। हाँ, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पीते हैं, ठंडा भी स्टार्ट हो गया ना इसलिए, अब तो जितनी चाय मिले ना नहीं। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरारे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो तुंगेश्वर भगवान की जय।